Hello friends, welcome to my channel Learn with Richa. In this session I discuss some conversion status related to organic chemistry. So इसमें क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन को इसमें थ्री पार्ट्स में हमको कन्वर्ट करना है. फर्स्ट वन इज़ एनिलीन, सेकेंड इज़ फिनॉल, थर्ड इज़ बेंजीन. तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है. क्लोरोबेंजीन लिया है, आफ्टर डैट उसकी रिएक्शन हमने करवाई है के एन एच टू के साथ करवाई है. इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, डैट इज़ लिक्विड NH3 एट 243 केल्विन टेम्परेचर. तो उसमें क्या है, हमारा K और Cl, यहाँ से K और ये Cl हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारा एनिलीन, जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि हमको फर्स्ट एनिलीन फॉर्म करना था. उसके बाद क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% हमने सॉल्यूशन लिया है, 633 केल्विन टेम्परेचर, 200 to 300 ATM प्रेशर, ये इसके प्रेजेंस में हमने करा है. तो हमको यहाँ पर Na और Cl यहाँ से हमारा रिमूव हुआ है और OH यहाँ अटैच हो गया, डैट इज़ फिनॉल हमारा यहाँ बन गया है. उसके बाद यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो +2H इसके साथ हमने रिएक्शन कराई, Na, Al, Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl यहाँ से रिमूव हुआ है, बना क्या है हमारा, बेंजीन बना है. उसके बाद है हमारा कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू इथाइल एल्कोहल. एसिटाल्डिहाइड को हमें इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड हमने लिया है CH3CHO, उसकी रिएक्शन हमने करवाई है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और एल्कोहल. तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल बन गया है. तो ऐसे ही हमारा एसिटाल्डिहाइड से इथाइल एल्कोहल फॉर्म हुआ है. उसके बाद क्या है, कन्वर्ट बेंजीन टू P-nitrochlorobenzene. तो बेंजीन हमारा ये है, तो फिर उसके बाद क्या है, हमने क्लोरीन और FeCl3 के साथ रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से एक H और Cl यहाँ से रिमूव हुआ है और Cl यहाँ अटैच हो गया, तो हमारा ये क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन बन गया है. क्लोरोबेंजीन बन गया है, फिर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2O सल्फ्यूरिक एसिड इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो यहाँ हमारा क्या, वाटर रिमूव आउट हुआ है, Cl क्लोरोबेंजन और यहाँ NO2 अटैच है, तो P-nitrochlorobenzene यहाँ पर फॉर्म हुआ है. P मतलब पैरा पोजिशन पर हमारा नाइट्रो अटैच है, तो ये क्लोरोबेंजन हमारा बना है और Cl और यहाँ से NO2, तो O आइसोमर यहाँ से हमारा ये फॉर्म हो गया है. फिर इसके बाद है कन्वर्ट N प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. एन प्रोपाइल एल्कोहल है CH3CH2CH2OH, डैट इज़ एन प्रोपाइल एल्कोहल. फिर इसकी रिएक्शन हमने कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डैट इज H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा वाटर अलग हुआ है और यहाँ क्या बन गया है, प्रोपीन बन गया है, CH3CH2, तो प्रोपीन यहाँ से फॉर्म हुआ है. उसके बाद क्या है, यहाँ से हमारा HBr रिमूव हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये बना है, CH3CH3, यहाँ Br अटैच है, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना है AgOH के रिएक्शन के साथ, तो यहाँ हमारा फिर क्या बन गया, CH3CH3, तो Br हमारा यहाँ से रिमूव होगा, AgBr और OH यहाँ अटैच होगा, तो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. उसके बाद है कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड. मिथाइल आयोडाइड को हम एसिटिक एसिड में कैसे बनाएंगे, तो हमने सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड लिया है, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनेट, तो यहाँ से हमारा K और IA पूरा रिमूव हो गया है और CN हमारा यहाँ अटैच हुआ है, तो CH3CN डेट इज मिथाइल साइनेट यहाँ बन गया है. फिर क्या है, कंप्लीट हाइड्रेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड एसिड और एल्कली, तो यहाँ से क्या माइनस हुआ, 2H2O हटा है और यहाँ से अमोनिया सेपरेट आउट हुआ है और एसिटिक एसिड CH3COOH यहाँ हमारा फॉर्म हो गया है. उसके बाद है कन्वर्ट इथाइल एमाइन टू ईथेन. फिर हमने यहाँ लिया इथाइल एमाइन, दैट इज़ C2H5NH2, ये हमारा इथाइल एमाइन है, HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो वाटर अलग हुआ है और अमोनिया अलग, सॉरी नाइट्रोजन अलग हुआ है, तो C2H5OH इथाइल एल्कोहल यहाँ हमारा बना है. फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है एट 333 केल्विन टेम्परेचर, तो हमारा यहाँ क्या फॉर्म हो गया है, इथिलीन, इथाइल एल्कोहल से इथिलीन फॉर्म हुआ, C2 तो हमारा है ही H5, एक H और ये OH, वाटर रिमूव हुआ है और इथिलीन बन गया. फिर हीट हमने फिर हीट किया है, तो हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ईथेन यहाँ पर हमारा बन गया है. फिर है कन्वर्ट प्रोपेन टू ईथेन. प्रोपेन से हमको ईथेन बनाना है, तो हमने यहाँ प्रोपेन लिया है. फिर क्या है, हमारी क्लोरीन के प्रेजेंस में
सो हमने इसमें क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया 298 केल्विन टेम्परेचर, फिर हमारा क्या है यहाँ पर 55% ये बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन और 45% क्या बन जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। CH3 CH CH3 यहाँ Cl है और CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरो प्रोपेन, तो ये दोनों हमारा अलग अलग बन गया है। फिर हीट अप हमने करा है एल्कोहलिक KOH के, इसमें तो KCl यहाँ से हमारा अलग हुआ है, वाटर अलग हुआ है, तो CH3 CH11 CH2 प्रोपीन हमारा यहाँ बना है। आफ्टर डैट उसका हमने ओजोनलाइसिस करा है, ओजोनलाइसिस करके हमें दो कंपाउंड हमारे फॉर्म हुए, एक फर्स्ट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड सेकेंड इज इन गैस फॉर्म, तो इथेनल दैट इज CH3 CHO बना है, CH3 CHO हमारा ओजोनालिसिस से अटैच हो जाएगा और HCO एक H इसमें अटैच हो जाएगा, तो ये हमारी मीथेनल बनेगी विच इज द फॉर्म ऑफ गैस। फिर क्या है इथेनल हमने यहाँ लिया है, इथेनल हमारा यहाँ फॉर्म हुआ है CH3 CHO। आफ्टर डैट 4 मॉलिक्यूल्स हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, फिर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन हुई है CH3 CH3 इथेन और वाटर, ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रो यहाँ पर क्या आयोडीन ये हमारा बन गया, तो इससे हमारा इथेन फॉर्म हुआ है। फिर क्या है कन्वर्ट इथिलीन टू एसिटिलीन, इथिलीन गैस ली हमने CH2 CH2, उसकी रिएक्शन हमने करवाई है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डेट इज CCl4, इथिलीन डाइब्रोमाइड हमारा यहाँ बना है CH2Br और CH2Br। फिर क्या है कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से क्या K और Br रिमूव हुआ है, वाटर रिमूव हुआ है CH2 CHBr विनाइल ब्रोमाइड Na NH2 हमारा यहाँ पर इसके प्रेजेंस में, तो Na और Br अलग होगा और यहाँ से एक H हो जाएगा तो NH3 अटैच होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा CH डेट इज एसिटिलीन। सो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, तो जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट डालती रहूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।